जय जोहार संगवारी हो, मेरा नाम है अभिजीत कुमार और आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ का आपका अपना प्रादेशिक समाचार का चैनल जिसका नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो चले आज को जो 20 बड़ी खबरें निकल कर सामने आई है छत्तीसगढ़ से, वो हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के इस प्रादेशिक समाचार के वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 20 ऐसी बड़ी खबरें निकल कर सामने आई है जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। ये बड़ी खबरें हैं, तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की जो सबसे पहले न्यूज है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता रही कि छत्तीसगढ़ में महामारी संक्रमण के बढ़ते खतरे से दोबारा लॉकडाउन की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है। लेकिन जो अंतिम फैसला है लॉकडाउन का वो अब जो है सीएम लेने वाले हैं। जी आपको बता रही कि रायपुर राजधानी में बीते रविवार को जो है पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 96 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों आपको बता रही कि ये रिकॉर्ड जो है सरकार को भी चिंता में डाल दिया है कि आखिरकार करे तो करे क्या। दोस्तों आपको बता दें कि रायपुर में मिले मरीजों को मिलाकर प्रदेश में कुल 150 नए मरीज मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि बढ़ते खतरे से दोबारा लॉकडाउन की जो चर्चाएं हैं वो अब तेज हो गई है। जी हाँ, प्रदेश में कई हिस्सों में अब जो है इस महामारी के मरीज लगातार बढ़ने से अब सरकार में दोबारा संपूर्ण लॉकडाउन की संभावनाओं पर जो चर्चा है वो छिड़ गई है। साथ ही साथ रायपुर से राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने भी रविवार को प्रदेश में तुरंत संपूर्ण लॉकडाउन की मांग जो है वो कर दी है। साथ ही साथ कांग्रेस ही नहीं भाजपा के लोग भी लॉकडाउन की जरूरतों को बता रहे हैं और साथ ही साथ मंत्रालय के गलियारों में भी बातें होने लगी है कि राजधानी प्रदेश में हालातों की वजह से जल्द ही लॉकडाउन के पूरे आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार जो आखिरी फैसला है वो छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री के फैसले पर निर्भर करेगा। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि अंबिकापुर के बाद अब यहां भी होगा 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। बाकी दिन जो है 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो है दुकानें खुलने वाली है। जी हाँ, हम आपको बताने चाहते हैं कि अंबिकापुर यानी कि अंबिकापुर जो शहर है वहाँ पर 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है हफ्ते में। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी कड़ी में जिले के सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र में भी शनिवार व रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इसी बीच यह निर्णय जो है मंगलवार को व्यापारी संघ जनप्रतिनिधियों व प्रशासन की बैठक के बाद से लिया गया है। वहीं सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दुकानें ही खुले रहेंगी, जबकि शनिवार और रविवार को इसी कड़ी में संपूर्ण लॉकडाउन का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता रहे कि अब नवंबर तक मिलेगा मुफ्त चना और चावल, 56 लाख परिवारों को मिलेगा इससे लाभ। जी हां, राज्य के 56,32,000 परिवारों को नवंबर तक निशुल्क चना और अतिरिक्त चावल मिलेगा। यह राज्य के सभी श्रेणी के राशन कार्डधारियों को दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास APL कार्ड है या BPL कार्ड, आपको जो है निःशुल्क चना और अतिरिक्त चावल आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि यह राज्य के सभी श्रेणी के राशन कार्डधारियों को दिया जाएगा, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन परिवारों को राशन दुकानों से हर माह मिल रहे चावल के अतिरिक्त होगा, यानी कि ये जो हम आपको बता रहे हैं जो राशन है वो अतिरिक्त मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपको जो भी राशन मिलता है 35 किलो 40 किलो जो भी अमाउंट मिलता है उसके अतिरिक्त आपको ये जो राशन है वो मिलने वाला है। बाकी आपको दोस्तों बता दें कि ये जो अतिरिक्त चावल और चना मिलेगा इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं चुकाने होंगे, आपको जितने राशन मिलते हैं सिर्फ उसी के ही पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि हाट बाजार के लिए नए नियम लागू हो चुके हैं प्रदेश में। तो वहीं सड़क पर अब नहीं लगेगा पसरा। वैसे तो हाट बाजार कहीं कहीं संचालित हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस संकट पर सख्त हुए हैं कलेक्टर। जी आपको बता दें कि संक्रमण के खतरों को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नगरीय निकायों के अधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हाट बाजार केवल निश्चित जगहों पर ही लगाए जा सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दुर्ग से खबर आई है जहां पर इस संक्रमण को देखते हुए जो कलेक्टर हैं वहां के दुर्ग के सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नगरीय निकायों के अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि अब हाट बाजार केवल निश्चित जगहों पर ही लगाए जा सकेंगे। उन्होंने यहां वहां पसरा लगाकर व सड़कों के किनारे व्यवसाय पर रोक लगाने के निर्देश भी अफसरों को सख्त निर्देश प्रोवाइड किया जा चुका है, यानी कि जो निर्देश है वो दिया जा चुका है पूरे जो अफसर हैं उनको।
वही दोस्तों आपको बता दें कि अब पहले की तरह कहीं पर भी जो आदमी जो है अपना दुकान लेकर बैठ जाते थे वो अब नहीं होने वाला है इस महामारी के कारण। ये सब जो है अब बंद होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ एक और भी बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि अब जो है सप्ताह भर में दोगुने हुए मरीज छत्तीसगढ़ में, तो वही फिर से लॉकडाउन की आहट, जैसा कि हम आपको पहली बड़ी खबर में आपको बता चुके हैं दोस्तों। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अनलॉक शुरू होने के साथ ही इस महामारी पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में राज्य में पूरे लॉकडाउन के दौरान जितने मरीज नहीं मिले थे उससे करीब 8 गुना ज्यादा मरीज इन 1.5 महीनों में बढ़ गए हैं। वही सप्ताह भर में ही यानी कि इस पिछले 7 दिनों में ही जो भर्ती मरीजों की संख्या है वो 2 गुने से अधिक हो गई है। ऐसे में पॉजिटिव मरीज राज्य के सभी जिलों से मिल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जो महामारी की वजह से अब तक टोटल 20 मौतें हो चुकी है, इनमें से 19 मौत अनलॉक के दौरान पाई गई है। वही दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, जहां पर खबर आई है कि छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिकों ने विकसित की है भाजियों की नई 2 किस्में। जानिए इनमें क्या कुछ खास होने वाला है। जी हां, छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवान्वित बात है, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज उप समिति द्वारा इन दोनों किस्मों को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जारी करने की अनुशंसा की गई है। जी हां, आपको बता रहे कि भाजियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में कृषि वैज्ञानिकों ने भाजियों की 2 नई किस्में विकसित कर दी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी कि IGKV रायपुर के वैज्ञानिकों ने लाल भाजी और चौलाई भाजी की नवीन उन्नत किस्में विकसित की है और इन नवीन किस्मों को CG लाल भाजी 1 और CG चौलाई भाजी 1 का नाम दिया गया है। वही भाजियों की यह किस्में प्रचलित उन्नत किस्मों की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक उपज देने में सक्षम है। वही ये जो नवीन किस्में हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों से इन भाजियों की जैव विविधता के संकलन तथा उन्नतीकरण के द्वारा तैयार की गई हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त भी मानी गई है। वही दोस्तों आपको बताते चले कि इन दोनों किस्मों से किसान केवल 1 माह की अवधि में ही 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की आय प्राप्त कर सकते हैं। वही छत्तीसगढ़ राज्य बीज उप समिति द्वारा इन दोनों किस्मों को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जारी करने की अनुशंसा कर दी गई है। वही दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े हैं, जहां आपको बता दें कि राज्य में मानसून की स्थिति आपको बता देना चाहते हैं, जहां पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी बारिश तो वहीं रायपुर से लेकर जगदलपुर तक अच्छी बारिश के संकेत मिले हैं। जी हां, राजधानी में अब तक सामान्य से करीब 125% ज़्यादा पानी बरस चुका है, लेकिन बाढ़ या जल भराव जैसा खतरा फिलहाल अभी नहीं है राजधानी में। आपको बताते चले कि जो है एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर बहुत बारिश का संकेत तभी मिलता है जब चंदनीडीह के पास खारून नदी का पुराना छोटा पुल डूबने लगता है। ये एक अपने आप में एक तथ्यात्मक आंकड़ा है, जहां पर अभी जो है नदी जो है पुल से 6 फीट नीचे बह रही है। इसका मतलब अभी बाढ़ के खतरे फिलहाल 6 फीट तक दूर दूर तक हैं। वही दोस्तों आपको बता दें चले कि अगले 1-2 दिनों तक राज्य में बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी, जबकि मंगलवार से बुधवार की सुबह तक रायगढ़ के पुसौर में 110 मिलीमीटर पानी बरस गया है, यानी कि भारी बारिश हुई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आई है, जहां पर किरण मई को महिला आयोग, करुणा शुक्ला समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन, तो कुलदीप जुनेजा हाउसिंग बोर्ड और शैलेश को बुक कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, एक बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम आयोग और निगम और मंडलों के अध्यक्षों उपाध्यक्षों और सदस्यों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। पहली सूची में बड़े नेताओं का नाम सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित करते हुए कई विधायकों को भी स्थान जो है वो दिया गया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार सुबह निगम आयोग और मंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जो है जारी कर दी गई है। इनमें 32 लोगों के नाम भी शामिल है, जबकि रायपुर संभाग से 14 नेताओं को जगह मिली है और सरगुजा बिलासपुर और दुर्ग संभाग से 4-4 तो वहीं बस्तर संभाग से 6 नेताओं को स्थान दिया गया है, जबकि सूची में संगठन के बड़े नेताओं को तरजीह दी गई है। सत्ता और संगठन के समन्वय स्थापित करते हुए विधायकों को भी इसमें स्थान जो है वो दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में बढ़े, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ के सबसे पहले न्यूज आप ही तक पहुंच पाए। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि CM ने विधायकों को बताया गोधन योजना का ब्लूप्रिंट, कहा अपने फंड से बनाए गौठान। जी हां, विधायक अपने क्षेत्र के बड़े गांव में विधायक निधि से स्वीकृत करेंगे गौठान। साथ ही साथ CM भूपेश बघेल ने बुधवार को सभी कांग्रेस विधायकों की बैठक लेकर गोधन न्याय योजना का ब्लूप्रिंट बताया। वहीं CM ने विधायकों को बताया कि
किस तरह गांव के पशुपालक से गोबर की खरीदी की जाएगी और उसकी आर्थिक उन्नति भी की जाएगी। साथ ही साथ गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बदलकर 8 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों को सहकारी समितियों के जरिए बेचा जाएगा, जबकि इससे बेहद कम दाम में जैविक खाद उपलब्ध होने के साथ ही रासायनिक खाद से होने वाले नुकसान को भी बचाया जा सकेगा। वही दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े। आपको बता दें कि ये जो बड़ी खबर आई है वो क्रिकेट से लेकर आई है। अगर आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बेहद अच्छा जो है गुड न्यूज़ निकल कर सामने आने वाला है, क्योंकि आपको बता दें क्रिकेट को पटरी पर लाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ ही होगा BBL का आयोजन। साथ ही साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया है शेड्यूल। जी हाँ, आपको बता दें कि इस महामारी काल की वजह से मौजूदा साल अब तक क्रिकेट के हर तरह के छोटे बड़े आयोजन हो चुके हैं, लेकिन अब क्रिकेट को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में ही इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मुकाबले के बीच चल रहे स्टेडियम में दर्शक एक भी नहीं थे, यानी कि बिना दर्शकों के ही मुकाबले खेले जा रहे हैं। लेकिन काफी सतर्कता के साथ और एहतियात बरतते हुए सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला गया, जो खत्म भी हो चुका है। साथ ही साथ वेस्ट इंडीज ने इसमें बाजी भी मारी है। अब ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट को पटरी पर लाने में प्रयासरत हो चुकी है। दोस्तों, आपको भारत के मौजूदा साल में आखिर में ऑस्ट्रेलिया में बहुप्रतीक्षित दौरे के दौरान जो है बिग बैश लीग के 10वें सीजन का आयोजन भी इसी दौरान किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में बढ़े, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो है 31 जुलाई तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी ग्रामीण के तहत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो है आगामी 31 जुलाई तक आवेदन मंगाए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो इस फॉर्म का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, जहां पर जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता रहे कि ये जो पद निकल कर सामने आए हैं वो है ग्राम पंचायत अरौद के ग्राम परिया कोना स्थित मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता और ग्राम रुद्री के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 में सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो है वो मंगाए गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज के अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े हैं, जहां आपको बता दें कि कोल इंडिया से 15% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जी हां, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आई है, जहां पर विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने वाली कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड से केंद्र सरकार अपनी 15% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। आधिकारिक सूत्र के मुताबिक अगर माने तो बिक्री की प्रक्रिया ऑफर पर जो है सेल के जरिए की जाएगी। साथ ही साथ शेयर बाजार में कोल इंडिया के शेयरों के वर्तमान भाव को देखते हुए इस हिस्सेदारी की बिक्री से केंद्र सरकार को करीब 12,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। साथ ही साथ सूत्र ये भी बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया इस पर निर्भर करेगी कि इस महामारी संकट के चलते शेयर बाजारों में अस्थिरता किस तरह से बढ़ती है और CIL के शेयरों में इसका क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यह वीडियो हर एक छत्तीसगढ़ के वासियों तक जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, यह जो है आप ही की मदद से हो सकता है, तो आप छोटा सा काम आपके अपने छोटे भाई अभिजीत के लिए जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो मिलेगी, तब तक लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। दोस्तों, यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।